देखिए वेल्डिंग हो रहा है, करंट कम ज़्यादा करूँगा, वेल्डिंग कर रही है ना, देखिए करंट घटा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सांतरा इलेक्ट्रिकल हब। फ्रेंड आज देखिए एक सिंगल फेज का सिंगल पीसीबी वेल्डिंग मशीन है, ये आईजीबीटी बेस्ड है। फ्रेंड एक स्टूडेंट ने मेरे को कुरियर किया है, इसका आईजीबीटी बार बार ब्लास्ट कर जा रहा है, तो हम लोग चेक करेंगे। तो अभी इसको मैं पहले से देख रहा हूँ क्या किया है, तो पहले मैं उसका आउटपुट देख लेता हूँ, आउटपुट का जो डायोड लगा है वो सही है कि नहीं। देखिए इसका ड्रॉप कितना है, मतलब हुआ देखिए 308 है ड्रॉप है, ओके, मतलब आउटपुट शॉर्ट नहीं है। अभी इधर जो आईजीबीटी लगा है 50T60, ये टी मतलब इसके वजह से फास्ट रिकवरी डायोड इसका इनबिल्ट लगा है। अब इसको चेक करते हैं, एक गेट ड्रेन सोर्स, तो हम ड्रेन और सोर्स में चेक करेंगे, ये शॉर्ट है। फ्रेंड पहले इसको खोल लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको खोलते हैं। इधर का फॉइल का कंडीशन बहुत खराब है, ये डबल साइड फॉइल है, बोथ साइड लेयर फॉइल है, इसलिए इसको ठीक है देखेंगे। अभी देख लेते हैं और एक बार, MOSFET तो शॉर्ट ही होगा, और सॉरी IGBT तो शॉर्ट ही होगा। चलो ये IGBT खत्म है, इसको डालने से पहले हम लोग क्या क्या चेक करेंगे ये सब कुछ देखेंगे। देखिए IGBT का भी चेंज करना है, उसका ड्राइवर सेक्शन सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, तो हम ड्राइवर सेक्शन चेक करेंगे FRC प्लेट को, इसका FRC प्लेट बोलते हैं ना फ्रेंड्स, इसको खोल देते हैं। खोल दिया, पूरा खोल दिया, ठीक है। इसको खोलने के बाद एक्चुअल में क्या था, इसके अंदर बहुत सारा काली है ना फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या करेंगे कॉटन से साफ कर सकते हो, तो अभी थोड़ा साफ कर दिया मैंने, अभी मैं चेक करूंगा इसका क्या क्या उड़ा है। देखिए इसको बोलता है RC स्नैपर सर्किट, ये ओके है, इसके इसका होना चाहिए, ठीक है। फिर इसको देखते हैं, ओके है, इसके इसमें लगा है RC स्नैपर, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, खराब हो गया।
10 ohms का रेजिस्टेंस 9 ohms दिखा रहा है, ओके है, ठीक है। बाकी आपको देखना है, बाकी पहले हम लोग क्या करेंगे, स्नैपर सर्किट देखा, उसके बाद है पुल डाउन सर्किट जो लगा रहता है, पुल डाउन सर्किट लगा रहेगा उसको चेक करेंगे। पुल डाउन सर्किट कैसे डिनोट करेंगे, देखिए इधर से पुल करने के लिए इधर से लाइन होके इधर से होके इधर होके इधर आएगा, इसके लिए 4.7 ओम्स ओके है। डायोड को खोल के चेक करना पड़ेगा, दो साइड रेजिस्टेंस लगा रहे थे इसलिए। इसका मतलब रेजिस्टेंस ओके होगा। डायोड को मैं खोल रहा हूँ, खोलने से पहले एक चीज ध्यान देना पड़ता है, यही डायोड का मार्किंग कौन सा साइड में है। खोल दिया हूँ डायोड को, यदि डायोड को खोल दे रहा हूँ खोल दे। डायोड में क्या होता है, इसके से वोल्टेज ड्रॉप दिखाता है, डायोड ओके है। डायोड भी ओके है। फिर एक चीज बोल दे रहा हूं आप लोगों को, डिजिटल मीटर में एक दिक्कत रहता है, दिक्कत क्या है, जो इसका लीकेज जो फॉल्ट होता है ना डिजिटल में, तो फर पकड़ नहीं पाते हम लोग, इसके लिए हम लोगों को एनालॉग मीटर चाहिए। हम लोग काम करते करते ऐसे एक्सपीरियंस हो जाए भी जाएगा, इसलिए पहले पहले मैं एनालॉग मीटर में ही रिपेयर करता था, डिजिटल ओनली मैं पल्स चेक करने के लिए यूज करता था उस टाइम। SS16 डायोड देखिए, इस तरह से इसके बैठा से बैठा नहीं, बट तो आप लोग सोचोगे सर सही से बैठा नहीं, सच में भी सही से बैठा नहीं, इसको लगा दे रहा हूँ। लग क्या है, अरे इसका जो नॉर्च है मार्किंग है एनोड साइड है, इसको भी मैं ले लिया, इधर देखिए मार्किंग एनोड है, मैं देख लिया हूँ, फिर इसको लगा रहा हूँ।
फ्रेंड आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आप लोगों को ये वीडियो देखने से ये नॉलेज में आएगा कि आप लोग जो आईयूडी लगाने के बाद तुरंत ब्लास्ट हो जाता है या वन बार एक बार टच करने से पहले ब्लास्ट करने के बाद ब्लास्ट हो जाता है। कैसे होता है फ्रेंड्स, ये भी तो सही है, अभी दिखा रहा है, दिखा रहा है। फिर मैं इसको सीरीज में फाड़ दे रहा हूँ, देखिए रिटर्न ऑन हो गया, गेट सोर्स में सप्लाई चेक कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है, इधर भी चेक कर लेता हूँ, इधर सोर्स में सप्लाई नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है हम लोग चेक करेंगे। उससे पहले हम लोग इधर चेक कर लेते हैं एक बार, इधर भी नहीं है, इसको ड्राइव इधर से भी नहीं दे रहा है आउटपुट, एसी पल्स नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, मतलब क्या चेक करेंगे, ये पल्स इसको ड्राइव करवाता है ये SG3525, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, इधर से 1 2 3 9 10 11 12 नंबर पिन नेगेटिव होते, 12 नंबर पिन नेगेटिव, 16 नंबर पिन ठीक है, अनदर नंबर सॉरी ठीक है 15 में है, तेरा नंबर पर हाँ अभी से आउट है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 नंबर पिन है, देखिए फ्रेंड्स ये 8 नंबर पिन में सप्लाई नहीं है, इधर सप्लाई नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसको चेक करते हैं ये क्यों नहीं है, फ्रेंड्स देखिए ये 8 नंबर पिन से इधर से होके ये ट्रांजिस्टर में आता है, कॉपलर में आता है, तो पहले तो हम कॉपलर को ओपन कर लेते हैं एक बार, कॉपलर को ओपन कर दिया, उसके बाद हम एक बार पावर देंगे, अभी आउटपुट आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो ट्रांजिस्टर सेक्शन में देखेंगे, ऐसा है बात, ठीक है, बात जो है ऐसा, अब इधर मीटर पर रख के इधर देखिए, इसका मतलब आ रहा है 8 नंबर पे है, इधर 4.48 आ रहा है, मतलब इधर आउटपुट में पल्स आना चाहिए, आ गया 5 वोल्ट, मीटर में भी खराब है इसलिए ऐसे हो रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है इधर भी आ रहा है 5 वोल्ट, इधर भी 5 वोल्ट आ रहा है फिलहाल तो है, बाकी उसमें एक थोड़ा लोड देना पड़ेगा, चेक कर रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिए मैं क्या किया उसमें ड्राइवर में लोड दे दिया, क्यों दिया एक्चुअल में क्या है, उसका कहना है IGBT फूट जाता है, कहीं पे भी लीकेज पल्स हो सकता है, लीकेज की वजह से ऐसे हो सकता है, इसलिए मैं उसको दे रहा हूँ, ठीक है, बल्ब जल रहा है, अगर कुछ डाउट रहेगा तो इधर जल जाएगा, मतलब फॉल्ट रहेगा, तो फिर मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूँ, बंद हो रहा है चालू हो रहा है, बंद हो रहा है चालू हो रहा है, मतलब इधर जो ड्राइवर है इस साइड ओके है, बाकी दूसरे साइड देखते हैं,
दे दिया, फिर मैं ऑन कर रहा हूँ, रहने देते, ओके है। फिर ये चेक हो गया, फिर और एक चेक चीज चेक करना था। अभी मेरे पास वो मीटर तो रह गया, मैं प्लांट में काम करने के लिए गया था, रह गया, नहीं तो लोगों को दिखा देता। इधर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, इधर जो ये लाइट जल रहा था कितना स्विचिंग में फ्रीक्वेंसी स्विचिंग हो रहा था, वो देखना चाहिए था। अब ये दो टेस्ट हो जाने के बाद और एक टेस्ट करना है जो है आपका ये लगा देने से ये क्यों ड्रॉप कर दे रहा है, इसको चेक करना है। ठीक है, चेक करते हैं ये जो पीसीबी का, उसका क्या क्या चेक किया हूँ। इसका मैं 50T65 था, तो मेरे पास 50T65 नहीं था, इसलिए मैंने इसमें 60N60 लगाया। 60N60 लगाने के बाद इसका पीछे साइड देख सकते हो आप, डायोड लगा दिया, क्योंकि 50T65 के अंदर फास्ट रिकवरी डायोड रहता है, लेकिन 50N65 के अंदर फास्ट रिकवरी डायोड नहीं रहता है। तो आपके पास अगर कैपिटल है तो आप स्टॉक कर लो, मेरे पास कैपिटल नहीं है, तो मैं सोचा इसको रखूं, उसके बाद डायोड बैक साइड में लगा दूं तो चलेगा। फिर इसको चेक करने के बाद मैंने ये दो एक्चुअल में, और ज़्यादा रिक्स नहीं लिया, वो जब वोल्टेज चेक किया सही था, फिर मैंने दो ऑफ एम्प को चेंज कर दिया, फिलहाल ये चालू हो गया। फिर मैं इसको वेल्डिंग करके दिखा रहा हूँ, पापा वेल्डिंग कीजिए, करंट कम आना चाहिए, देखिए वेल्डिंग हो रहा है, करंट कम ज्यादा करूंगा, वेल्डिंग कर रही है ना, देखिए करंट घटा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ। उन्होंने एम्पियर कितना ले, पापा वेल्डिंग करो, ठीक है बंद करिए। ओ देखिए फ्रेंड्स वेल्डिंग हो जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं हो रहा है पीसीबी। अगर आप लोग भी ऐसे रिपेयर करवाना चाहते हो तो मुझे कुरियर कर सकते हो, मैं हफ्ते में दो दिन अपना होम टाउन में रहता हूँ, उधर पीसीबी कुरियर आता है, उसको रिपेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।